ओम ज्ञान तिम्रांधस्यो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्रमरुता यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र। शांति शांति शांति। जय गोपाल। भगवान की कृपा से ही कोई वक्ता बोल पाता है, उन्हीं की कृपा से रुक जाता है। उनकी इच्छा प्रबल है, वो चाहते हैं वही होता है, अन्यथा नहीं। अम्बरीश महाराज की कथा कह रहे थे पिछले सत्संग में, अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त थे और पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। जब दुर्वासा ऋषि के पीछे उनका सुदर्शन चक्र लगा था भगवान विष्णु का, जो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ था अम्बरीश महाराज के महलों में, अम्बरीश महाराज का कोई दोष नहीं था। वो प्यासे थे, अति प्यासे थे, कंठ में प्राण आ गए थे, नेत्रों में प्राण उतर आए थे। संत महात्माओं के कहने से उन्होंने एक दो घूंट जल का पान कर लिया था। इसी अपराध के कारण अम्बरीश महाराज ने उनको कृत्य प्रकट करके मार देना चाहा, लेकिन भगवान के भक्त को कौन मार सकता है। सुदर्शन पीछे लग गया था, तीनों लोकों में घूमे। आखिर विष्णु भगवान ने सलाह दी कि यदि मेरा कोई अपराध तुमने किया होता दुर्वासा, तो मैं तुम्हें ये सुदर्शन चक्र को अभी शांत कर लेता, लौटा लेता, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। जो मेरे भक्त का अपराध करता है उसे तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। मेरा भक्त मेरे मिलने के लिए नेत्रों से आंसू बहाता है, जल्दी सारा संसार सोया रहता है, मेरा भक्त मेरे नाम पुकारता है, मेरा नाम जप करता है, कीर्तन करता है, भाव भरते हैं उसके, मेरी कीर्ति का गान करते हुए उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मेरी महिमा भगान करते हुए वो गदगद हो उठता है। ऐसे मेरे भक्त के चरणों में हे दुर्वासा तुमने अपराध किया है, तो क्या मैं ये सुदर्शन मुझे जला डालेगा नाथ? नहीं, इसका एक उपाय है यदि तुम कर सको तो। यदि मेरे भक्त के चरणों में जाकर तुम साष्टांग दंडवत करके क्षमा याचना करो, उस भक्त अम्बरीश से क्षमा मांगो, यदि वो अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दे तो सुदर्शन तुम्हें क्षमा कर देगा, वरना कोई और उपाय नहीं।
तभी दुर्भाषा ऋषि आकर के नीचे आए हैं, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए हैं। अम्बरीश महाराज भी गिर गए हैं कि ये क्या करते हो ऋषि देव, पहले ही एक अपराध में कर चुका हूं, ये दूसरा अपराध में मुझे क्यों डालते हो, मुझे प्रणाम करने का हक है, मुझे प्रणाम करने दो। अम्बरीश महाराज नीचे गिर गए, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन गिड़गड़ा के दुर्भाषा ऋषि कहते हैं कि अवश्य मुझसे महान भूल हुई है, महान गलती हुई है, मैंने आपको नष्ट करने के लिए कृत्या प्रकट की, कितना बड़ा महाघोर अपराध मैं करने जा रहा था, भगवान के आप परम भक्त हैं, स्वयं भगवान ने मुझे बतलाया है, आपकी रक्षा के लिए उनका सुदर्शन भी आपके महलों में रहता है सदैव, मुझे क्षमा कर दो। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि मेरा कोई अपराध आपने नहीं किया, आओ मेरे साथ भोजन कर लो, मुझे सेवा का अवसर दो, पहले मैं आपको भोजन करा दूं, फिर आपका बचा हुआ भोजन मैं करूंगा। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने कुछ नहीं त्यागा, वो कोई चीज को त्याग करके जंगल में या पहाड़ों की कंदराओं में जाकर नहीं बैठे, या कोई सन्यासी का वेश धारण नहीं किया, जैसे थे उसी रूप में उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। अगर वो राजा थे तो राजा के पद पर रहते हुए भगवान को प्रसन्न किया, तो कोई ये न जाने कि ये सन्यासी होने से ही भगवान मिल जाएगा, या गुरुकुल में संस्कृत पढ़ने से भगवान मिल जाएगा, या हिंदू होने से भगवान मिल जाएगा, या क्रिश्चियन या सिख या ईसाई या ज्यूस या बुद्धिस्ट या मुसलमान बनने से ही अल्लाह मिल जाएगा, नहीं, अल्लाह का भगवान का तुम्हारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनसे कुछ लेना देना नहीं है, भगवान को तुम्हारा प्रेम चाहिए, जहां पर भी तुम हो, चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम काले हो, चाहे तुम विद्वान हो, चाहे तुम गूंठा छाप हो, चाहे तुम वैज्ञानिक हो, चाहे बेअकल भी हो, तुम्हारे हृदय में पवित्र प्रेम प्रभु का पलता है, उस प्रभु के प्रति तुम प्रेम करना सीख गए हो, उसकी बनाई हुई सृष्टि से तुमको प्रेम करना आ गया है, उनके चांद सितारों को भी तुम प्रणाम करना सीख गए हो, उनके पेड़ पौधे और खिलते हुए फूल को भी देख करके तुमको उसकी याद आने लगी है, तो तुम चाहे संसार के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे किसी भी रूप में हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, जिस रूप में हो, जिस वेश में हो, जिस हाल में हो, उस प्रभु से तुम्हारा प्रेम लव सदैव ही जली हुई है, प्रेम का दीपक जला हुआ है हृदय में, प्रभु को पहचानने की कला तुमको आ गई है, तो प्रभु उस प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। माँ यशोदा ने प्रभु को बांध दिया था रस्सी से, आपने कभी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को सुना पढ़ा हो तो मालूम होना चाहिए, उस बांधने से ही उनका नाम दामोदर पड़ गया, दामोदर, उदर मानी पेट, दाम मानी रस्सी। माँ यशोदा ने नटखट लाल को उसकी नटखटता देख करके बांध दिया था ओखली मूसल से, ओखल से, और अपना काम धंधा में व्यस्त हो गई थी। बस क्या था, भगवान को ये लीला करनी थी,
भगवान को उद्धार करना था दो असुरों का, जिनको शाप लगा हुआ था, और शाप दो गंधर्वों का जिनको शाप लगा था, और शापवश वो पेड़ वृक्ष बने हुए थे और नंद बाबा के कोर्टयार्ड में, घर के आंगन में खड़े थे, उनका उद्धार करना था। वो लीला, उनको दामोदर नाम दिया गया। भगवान प्रेम की रस्सी से बनते हैं। आप इंद्रिय तृप्ति के साधनों को पा करके इंद्रिय तृप्ति न करें, उस साधन से भगवान को प्रसन्न करें, उस दौलत से प्रभु को प्रसन्न करें, उस महल से प्रभु के आए हुए संतों का, भक्तों का आदर सत्कार करें, सम्मानित करें, उनको ऊंचे आसन दें, तो प्रभु की सेवा आपके हाथों से हो जाती है। प्रभु आपके हृदय में है, वो देखते हैं आपके प्रत्येक विचार को, प्रत्येक सेवा को वो स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, आपके चढ़ाए हुए पुष्प को भी। जय गोपाल। जय गोपाल। तो मैं कहता हूं लोगों को कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है। क्या रविदास जी महाराज ने जूती बनाना छोड़ दिया था उस भगवान को पाने के लिए, उस माधव को, उस मुकुंद को, उस कृष्ण को, गोविंद को? नहीं, वो जूती बनाते थे और उसका स्मरण करते थे, राम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान को प्राप्त किया, भगवान के दर्शन किए, भगवान के परम भक्तों में उनकी गिनती है रविदास जी महाराज। आप जहां पर भी हैं, मीरा जी के गुरु हैं। मीरा बाई को भी एक तारा देने वाले रविदास जी महाराज हैं। मीरा बाई ने भी कृष्ण भगवान को प्राप्त किया, उस परमेश्वर को प्राप्त किया। आप जहां पर भी हैं, आपको प्रेम कला आनी चाहिए। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला। प्रेम कला यदि आपके हृदय में है, प्रेम करना आप सीख गए हैं, तो आपने विश्व को ही अपना मां समझ लिया और आपका हो जाएगा विश्व, विश्व आपका हो जाएगा। विश्व को जिन्होंने प्रेम किया है, विश्व उनका हो गया है। विश्वनाथ को जिन्होंने प्रेम किया है, विश्वनाथ उनके हो गए। काशीनाथ को जिन्होंने प्रेम किया है, काशीनाथ उनके हो गए। रामनाथ को जिन्होंने प्रेम किया, रामनाथ उनके हो गए। द्वारकानाथ को जिन्होंने प्रेम किया है, द्वारकानाथ उनके हो गए। नहीं हो गए। रुक्मणी का भाई रुक्मी, रुक्म राजा की बेटी थी रुक्मणी, रुक्मणी का भाई था रुक्मी, वो उसकी शादी शिशुपाल से करना चाहता था। शिशुपाल असुर नेचर का था, प्रकृति का था। रुक्मणी ने कहा, नहीं भाई, मेरे योग्य वो नहीं है, मैंने तो किसी और को मनोनीत कर रखा है, चुन रखा है। नहीं रुक्मणी, शिशुपाल से ही तुम्हारा संस्कार होगा, पानी संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार होगा। नहीं भैया, लेकिन रुक्मणी ने कलम लेकर के कोरे कागज पे एक पाती लिखी द्वारकानाथ के प्रति, द्वारकानाथ को, और एक ब्राह्मण को चुपके से भेजा कि तुम द्वारकानाथ को मेरी ये पाती दे दो कि हे नाथ, तुम्हारे होते हुए मुझे एक दुष्ट प्रवृत्ति का, प्रकृति का असुर शिशुपाल ले जाएगा, मैं मर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी, मैं किसी को अपना शरीर मन छूने नहीं दूंगी, मेरी आत्मा मेरा मन मेरा शरीर तो आपका है प्राणनाथ, आप मुझे ले आइए और लेकर जाइए,
पाती भगवान श्री कृष्ण ने बांची। रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार है, भगवान रुक्मणी को लेकर आए। रुक्मणी हरण, फिर भी भगवान ने कहा रुक्मणी घोड़ों की लगाम तुम पकड़ो। क्यों प्राणनाथ, ये तो आपको शोभा दे रही है। नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि द्वारका का राजा रुक्मणी को, रुक्म की बेटी को भगा के ले गया। घोड़ों की लगाम तुम पकड़ो, ताकि देखें तो लोग कहें कि रुक्मणी अपनी इच्छा से जा रही है, भगा के नहीं ले जाई जा रही। रुक्मणी ने रथ से आंका और भगवान श्री कृष्ण ने जो जो आए लड़ने के लिए सबको तीर मारे और उनको शिक्षा दी, सबक दिया। रुक्मी भी आया, रुक्मणी का भाई, उसको आधी मूछ काट करके, आधा सर काट करके पेट से बांध दिया नागपाश में और चले गए रुक्मणी को ले। तो भगवान अपने भक्तों को गोदी में उठाते हैं, जो उनको पुकारता है, प्रेम भरी आवाज देता है, उनके लिए वो दौड़े हुए चले आते हैं। संदेह तो नहीं, जब गजराज के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, गए नहीं नंगे पांव? जरूर गए, वो गजराज की रक्षा की। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तबारी नाम उचार्यो, मैं नंगे पावन धायो, भक्तों ने मोहे नानारी भांति नचायो। भक्तों ने मुझे बहुत प्रकार से नचाया है, कभी गोपियों ने छाछ के बहाने से नचाया, अरे कन्हैया तुझे हम छाछ पिलाएंगी, ताजा छाछ, तू नाच के बतला दे। तो भगवान एक टर्न मारते थे, हेले ला पिला आप छाछ, नहीं कन्हैया और नाच, भगवान फिर नाचते थे। गोपियों के आंगनों में जा के नाचते थे छोटी अवस्था में, उनकी भक्ता थी, परम भक्ता गोपियां, तो नाचते थे। भक्तों ने जहां जैसे भगवान को पुकारा वो दौड़े चले आए। झूठे साग विदुर घर, साग विदुर को खायो, झूठे फल सबरी के खाए, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, ऐसी प्रीत निभाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अपने भक्त विदुर के घर जाकर साग खा रहे हैं। दुर्योधन को, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम का रिश्ता ही है जो प्रभु को प्रसन्न करता है। सन्यासी का रिश्ता होता तो सारे सन्यासियों को प्रभु मिल गया होता, या गृहस्थी का, या वानप्रस्थी का, या सन्यासी का। नहीं, इन रिश्तों से प्रभु का कोई लेना देना नहीं है। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहो। प्रभु तो प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम से उनको जिन्होंने निहारा है, प्रेम से जिन्होंने उनको पुकारा है, वो चले आए हैं। प्रेम के भूखे हैं, भक्त को भी प्रेम के ही भूखे हैं, भक्त भी प्रेम के ही भूखे हैं। तो प्रेम कला ही एक ऐसी कला है, 64 कलाओं में प्रेम कला सर्वश्रेष्ठ कला है। इस कला को जो जान लेता है उसका तो कल्याण अवश्य ही हो जाता है। अमरीक महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने, उनके पास भी हाथी घोड़े थे, ये नहीं कि उन पर नहीं चढ़ते थे, अवश्य चढ़ते थे। दीनों की पुकार सुनने, अपनी प्रजा का दुख दूर करने, उनको प्रसन्न करने,
हाथी घोड़ों पर चढ़ते थे। उस खजाने को प्रभु का समझते थे, उस राज सिंहासन को प्रभु की एक भेंट, एक गिफ्ट समझते, एक उपहार समझते थे कि भगवान ने ये मुझे दिया इसलिए कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं ये शासन करूं। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है मैं धर्म की रक्षा करूं, सज्जनों का सत्कार करूं महलों में, और विश्व का कल्याण करूं, कल्याणकारी कर्म करूं, कल्याण भरी सेवा करूं जिससे विश्व का कल्याण हो जाए। अमरीक महाराज ने अपने 10 इंद्रियों को और 11 मन को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा रखा था। हर प्रकार से भगवान की सेवा के लिए चाहते थे, पांवों से चल करके प्रजा की सेवा के लिए चलकर जाते थे, भगवान के संतों के दर्शन को नंगे पांव बढ़ के आगे पहुंचते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे और महलों में ले पवित्र जल के छिड़काव देते हुए महलों में ऊंचे आसन पर लाके उनको आसीन करते थे, बिठाते थे, उनका आदर सत्कार करते थे, उनके चरणों में बैठ करके उस प्रभु की लीला का गुणगान सुनते थे, उस प्रभु की महिमा का बखान सुनते थे, सत्संग सुनते थे। अमरीक महाराज थे जैसे ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का नाम बड़े शान से और ग्रेविटी से लिया जाता है, ऐसे ही अमरीक महाराज का नाम लिया जाता है। सम्राट अशोक थे भारत के अंदर, उनको अशोक महान कह के पुकारा जाता था। क्यों? कि उन्होंने महान कार्य किए थे, अहिंसा परमो धर्म उनके स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था शासन काल में। उन्होंने संतों का सत्कार किया था, जहां जहां भी कोई संत भजन कर रहे उनको सुख सुविधा जुटाई, मंदिर गुफाएं बनाई, कंदराएं बनाई, स्थान आश्रम बनाए, गुरुकुल बनाए, धर्म को चारों टांगों पर खड़ा करने की पूर्ण कोशिश की किया। चक्रवर्ती सम्राट थे, भारत के सम्राट थे अशोक महान। चक्र तो उनका आज भी भारत के झंडे में है, आप देखेंगे तो अशोक चिन्ह जो बना हुआ है भारत के तिरंगे झंडे में, वो अशोक चिन्ह ही अशोक महान का याद दिलाता है। लेकिन उस झंडे के नीचे तो धर्म पनपना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या बुद्ध हो, सारा धर्म, सारे धर्म पनपने चाहिए, धर्म पनपना चाहिए, सत्यता प्रकट होनी चाहिए, सत्य का बोलबाला होना चाहिए उस झंडे के नीचे। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तो आप जानते हैं, लेकिन झंडे में वो अशोक महान अशोक चक्र है, सत्यमेव जयते उसके ऊपर लिखा हुआ है, सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते वेदों के वाक्य हैं, सूत्र हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, आप जहां पर भी हैं जिस अवस्था में भी हैं, आप बड़े अफसर हैं, दफ्तर के मालिक हैं, कुर्सी के मालिक हैं, राज के मालिक हैं, या धन के मालिक हैं, या रूप के मालिक हैं, या टेलरिंग कर रहे हैं, या जूती बना रहे हैं, या बड़ा लेन देन कर रहे हैं, जहाजे चला रहे हैं, सभी अवस्थाओं में इंद्रिय तृप्ति को बंद कर दो और उस अपनी साधन व्यवस्थाओं से उस प्रभु को प्रसन्न करो। यह आपका परम कर्तव्य है, यह आपका परम धर्म है, इससे आपको परमानंद की प्राप्ति होती है, इससे ही प्रभु प्रसन्न होते हैं, इससे प्रभु रिझते हैं, यही प्रभु की सेवा है। इंद्रिय तृप्ति करना प्रभु की सेवा नहीं है कि दारू की बोतल पकड़ ली
और जानवरों की गर्दन उतार के खा गए, या जुओं के अड्डों पे चले गए, या वेश्याओं के कोठों पे चले गए, या भ्रष्टाचार दुराचार रिश्वतखोरी में लगी गए। ये प्रभु की सेवा नहीं है, ये तो प्रभु के अगेंस्ट है, ये तो आततायी कर्म है, ये तो दुष्ट कर्म है। ये तो दुष्ट खड़े हैं अर्जुन के सामने, जिन्हें भगवान मराना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, दुर्योधन दुशासन इत्यादि। नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप जहां पर भी हैं वहीं पर उनको प्रसन्न कीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सन्यासी को नहीं मिले, मिले हैं। गौतम बुद्ध भगवान कौन थे? महावीर स्वामी को मिले नहीं भगवान? चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे। महान सन्यासियों को मिले, रामा स्वामी राम लाहौर वाले, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस तो गृहस्थी थे, विवेकानंद सन्यासी थे। सबको मिले, ब्रह्मचारियों को मिले, किसी भी हालत में मिले, किसी भी वेश में मिले। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला। प्रेम करना सीख लो, प्रभु का प्रेम। जय गोपाल।